हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे से बहुत ज़्यादा न्यू रेसिपी। ये बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। तो मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे चाट, वो भी जो घर में हमारे पास इंग्रेडिएंट है उससे बना के रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही मज़े का बन के ये तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए। तो फिर चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर जिसके लिए हम ले लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे ये कुरकुरे। तो यहाँ पे मैं टेढ़े मेढ़े से बना रही हूँ, आप कोई सा भी कुरकुरे ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दो पैकेट से बना रही हूँ तो मैं उस हिसाब से सारी क्वांटिटी लूँगी। तो आप तो जितना बना रहे हो उस हिसाब से ले। तो यहाँ पे मैं दोनों कुरकुरे का पैकेट फाड़ के उसमें से कुरकुरे निकाल लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं निकाल चुकी हूँ और इसके बाद इसे हाथों से हमें ब्रेक कर लेना है कुरकुरे को छोटे छोटे पीसेस में, कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। जैसे अच्छा ये ब्रेक हो जाए उसके बाद हम अब इसमें डालेंगे बारीक कट किया हुआ खीरा डालेंगे, बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ पे आप प्याज डाल देंगे लंबे लंबे पीसेस में, यहाँ मैं कट करके डाल रही हूँ। उसके बाद अब इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे, धनिया पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और धनिया पत्ता डालने के बाद अब इसका मेन इंग्रेडिएंट आया है दही, अब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही में यहाँ पे मैं चीनी को मिक्स कर ली हूँ तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे 2 चम्मच दही डाल देंगे और उसके बाद दही डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे, चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब हम इसे इसमें कुछ नहीं डालना, बस इसे मिक्स कर लेना है। तो इसे अच्छी तरीके से कुरकुरे में मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खट्टा मीठा सा कुरकुरे चाट हमारे बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से मैंने इसे बना के रेडी किया। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।